नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे चैनल ज्ञानमाला में। आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि, आप सभी को शुभकामना देते हुए दो शब्द आप लोगों के सामने कहना चाहती हूँ, जो मैंने जाना और समझा है। दुर्गा क्या है? दुर्गा शक्ति है, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है, वही महाकाली है, वही उत्पत्ति करता है, वही पालन करता है और वही विनाश भी करती है। शक्ति से ही सारा जगत चलता है, वही जगत जननी है, वही ब्रह्मचारिणी है। दुर्गा प्रकृति है, शक्ति है, महाशक्ति है, संपूर्ण जगत को चलाने वाली शक्ति है, चराचर में व्याप्त है, नित्य जो भी घटता है वो शक्ति के कारण ही होता है, नित्य जो परिवर्तन हो रहा है वो भी शक्ति से ही हो रहा है। जब हम प्रकृति को जानेंगे ही नहीं, शक्ति को जानेंगे ही नहीं और इससे ऊपर उठने की बात करते हैं तो ये असंभव है। ब्रह्म की बात करते हैं तो, सत्य की बात करते हैं तो ये असंभव है। सत्य को पाने के लिए हमें इन सब से गुजरना पड़ता है, संसार से गुजरना पड़ता है। शक्ति को जानना है, प्रकृति को जानना है, तभी हम संसार से ऊपर उठ सकते हैं। हमने शक्तियों को देवी का रूप दिया है, देवी माना है हमने। सत, रज, तम, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। सत, रज, तम से ही अनेक प्रकार की शक्तियाँ उत्पत्ति होती है और संपूर्ण जगत में अनेक प्रकार की शक्तियाँ व्याप्त है, इसी से संपूर्ण जगत चलता है। ये सब प्रकृति है, माया है। हम प्रकृति से ऊपर उठना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं तो इन सब को हमें जानना पड़ेगा। दुर्गा क्या है, क्यों मानते हैं? महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती क्या है, क्यों मानते हैं? ये सब हमें समझ आना पड़ेगा। जब तक हम प्रकृति की शक्तियों को महसूस नहीं करेंगे, नहीं जानेंगे, कृतज्ञता नहीं जताएंगे, तब तक हम इसके ऊपर नहीं उठ सकते हैं। शक्ति से ही सारा जगत चलता है, शक्ति से ही सब कुछ होता है। हम नित्य जो भी देखते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, हर क्षण जो भी घटता है वो शक्ति से ही होता है। सोना हो, उठना हो, बैठना हो, चलना हो, कोई भी कर्म हो, चुपचाप कर बैठना हो, तभी भी शक्ति ही चाहिए होता है। तो शक्ति से ही हर घटना, हर चीज घट रहा है। इसलिए शक्ति को नमन किए बिना हम इससे ऊपर नहीं उठ सकते, प्रकृति से ऊपर नहीं उठ सकते। इसीलिए शक्ति को जानना होगा, प्रकृति को जानना समझना होगा। वही हमें जन्म भी दिया है, इसीलिए हम जगत जननी कहते हैं। वही हमें ज्ञान भी देते हैं, वही हमें मुक्ति भी देंगे। इसीलिए शक्ति का अनुभव करें, शक्ति को जाने और उनको कृतज्ञता जताए, तभी हम इस दुनिया से, संसार से, ये परिवर्तनशील जगत से मुक्त हो पाएंगे। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि मरने के बाद मुक्ति चाहिए, जीते जी ही हमें मुक्ति चाहिए। जीते जी ही जो भी बंधन हमें महसूस होता है उन सब से मुक्ति, जीते जी ही हम मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए प्रकृति को नमन करना चाहिए, प्रकृति का विरोध करके हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते, उनको स्वीकार करना चाहिए। उनको स्वीकार करें और जो भी हमें मिला है उनको धन्यवाद देते जाइए, कृतज्ञता जताएंगे, तब हमें प्रकृति
ऊंचा उठाएगा। प्रकृति ही हमें मुक्ति दिलाएगी, वो ही जन्म भी देगी, वो ही पालन ही करेगी और वो ही मुक्ति भी देगी। हमें सत्य चाहिए है तो, हमें मुक्ति चाहिए है तो हमें प्रकृति को समझना होगा, शक्ति को समझना होगा, शक्ति को नमन करें और प्रकृति को समझ के, स्वीकार करके, जान के इससे आगे बढ़े और वही हमें आगे बढ़ाएंगे और वही हमें मुक्ति दिलाएंगे। हर चीज़, हर घटना, जल, पृथ्वी, वायु, जो भी हमें मिल रहा है, सबके लिए कृतज्ञता जताए। संसार में धन, संपत्ति, पुत्रा, पुत्री, ऐसे सब चीज़ों के लिए हम दुखी होते रहते हैं। ईश्वर के घर भी जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाते हैं, लेकिन संसार के लिए ही कुछ संसाधन मांगते हैं। हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हम ना मांगे तब भी वो हमें देंगे। कर्म करते हैं तो सब कुछ हमें मिल ही जाएगा, लेकिन हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। जो भी चीज़ मांगते हैं उसी से हमें बंधन होता है। तो जाने, मांगने से हमें कष्ट ही होगा, ना मांगे तब भी मिल जाता है सब कुछ। इसीलिए प्रकृति को जाने, शक्ति को जाने। देवी हम किस लिए मानते हैं, नव दुर्गा शक्ति को हम क्यों पूजते हैं, ये जाने। उसी का ही माया है जो हम अज्ञानवश खुद को कुछ समझ बैठते हैं। वो ही अपनी माया से सबको मोहित करके रखा है और वो ही हमें मुक्ति भी देगी। हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं तो कुछ ना कुछ मांग ही लेते हैं। कुछ ना मांगा फिर भी शांति तो मांग ही लेते हैं। परिवार के स्वस्थ, सब ठीक से रहे, ये तो मांग ही लेते हैं। सब कुछ हो ही जाएगा, कर्म करेंगे, अच्छे से चलेंगे तो सब कुछ हो ही जाएगा, सब कुछ मिल ही जाएगा। प्रकृति का नियम है, कभी होनी कभी अनहोनी, कभी शुभ कभी अशुभ, जो हम सोचते हैं, लेकिन ये प्रकृति के नियम से हो ही जाता है, होता ही रहेगा। हम पूजा करने से, प्रार्थना करने से, मांगने से कुछ भी नहीं रुकेगा, रुकने वाला नहीं है। इसीलिए कुछ भी बेकार की चीज़ें मांग कर समय और शक्ति को नष्ट करने से बेहतर है हम ज्ञान मांगे, मुक्ति मांगे। वो ही हमें अपनी माया में मोहित करके रखती है, वो ही मुक्ति भी देगी। इसीलिए उनको नमन करें, शक्ति को नमन करें, प्रकृति को नमन करें। वो ही जन्मदायिनी है, वो ही पालन भी करती है और वही ज्ञान भी देती है, वही मुक्ति भी देती है। इसीलिए सबके लिए कृतज्ञता रखें। सूर्य के लिए, अग्नि के लिए, जल के लिए, वायु के लिए, आकाश के लिए, अन्न के लिए, सुख के लिए, दुख के लिए, हर एक अनुभव के लिए, अच्छे विचार के लिए, बुरे विचार के लिए, जन्म के लिए, बड़े होने के लिए, इतने समय तक जीवित हूँ इसलिए, सब चीज़ों में कृतज्ञता जताए। सबके लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे तो वही हमें मुक्ति देगी। मुक्ति के लिए हमें संसार को छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, परिस्थितियों को डट के सामना करना है, महसूस करना है, अनुभव करना है, ज्ञान लेना है और सबको धन्यवाद देते हुए हमें आगे बढ़ना है। जीवन हमें इसलिए नहीं मिला कि संपत्ति इकट्ठा करो, भोग विलास में जीवन समाप्त करो। जो भी हम इकट्ठा करते हैं वे सब आज हमारा है तो कल किसी और का होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इतना संघर्ष करते हैं, इतना दौड़ लगाते हैं, इतना बचाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप बोल सकते हो कि क्या हम मेहनत ना करें, कर्म ही ना करें, चुपचाप बैठ जाए, ये भी नहीं है। कर्म भी कीजिए,
सब कुछ कीजिए, लेकिन जीवन को भी देखिए, शक्ति को जानिए, प्रकृति को जानिए और इस जीवन किस लिए मिला है वो भी हमें जानना है। मेहनत, कर्म हम किस लिए करते हैं? पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं, संघर्ष हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि उससे हमें ज्ञान मिलता है और ज्ञान से मुक्ति मिलता है। इसीलिए नमन करते जाइए और उनसे ये प्रार्थना कीजिए कि जिससे मेरा कल्याण हो बस वही हो। बार बार यही प्रार्थना करें कि जिससे मेरा कल्याण हो बस वही हो और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।